तीन सुसाइड हुए हैं पिछले 12 घंटे में। कोचिंग इंस्टीट्यूट ले रहा है क्या, इसकी गलती हमारे हॉस्टल वाले हैं क्या, मैथ्स वाले हैं, कोटा वासी हैं, कोटा का कोई बच्चा है? टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर बात करने से कोटा का हर यूट्यूबर भी घबरा। क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलेगा बेटा जाओ लटको? नहीं, एक प्रेशर होता है कि एक अच्छा कॉलेज निकालना है, हमारे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। साल का उसको कंधा देते वक्त उसका पेरेंट्स क्या सोचते होंगे, और ये बहुत दुखदाई है यार। बट अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को एक बार कॉल करके बताओ कि यार पापा दिक्कत आ रही है। हाय गाइस, माय नेम इज समन पालीवाल, और आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर बात करने से कोटा का हर यूट्यूबर भी घबरा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर यूट्यूबर किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैथ्स, हॉस्टल, इन सबसे जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल आप सभी से यह है कि जो तीन सुसाइड हुए हैं पिछले 12 घंटे में, क्या इसकी गलती कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ले रहा है, क्या इसकी गलती हमारे हॉस्टल वाले हैं, क्या मैथ्स वाले हैं, कोटा वासी हैं, कोटा का कोई बच्चा है? गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो तीन सुसाइड हुए हैं ये क्यों हो रहे हैं यार, ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं कोटा के अंदर? क्या कोटा बोल रहा है कि आप जाके सुसाइड करो? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं बेटा जाओ लटको? नहीं, द पॉइंट इज हम उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे। मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, आप कोटा में आए थे सपना लेकर के, यार मुझे कोटा में IIT निकालनी है, NIT निकालनी है, या मुझे एक अच्छा कॉलेज लेना है, नीट के लिए डॉक्टर बनना है, ठीक है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे निकालना चाहिए, बट क्या अगर हम उस तैयारी को अच्छे से नहीं कर पा रहे तो क्या ये चीज सोल्यूशन है हमारे पास? क्या ये सोल्यूशन है कि हम पंधे पे जाकर के लटक जाएंगे? गाइस, लाइफ एक इतनी छोटी चीज नहीं होती है कि आप जाकर के ये बता दो कि यार नहीं, अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूं। नहीं यार, हमें ये चीज अभी समझनी पड़ेगी कि IIT है बहुत बड़ी चीज, नीट है बहुत बड़ी चीज, अगर नहीं हुआ तो हमें और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं, बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। आई नो, मैं भी कोचिंग स्टूडेंट रहा हूं, मैं भी कोटा में पढ़ा हुआ हूं, और मुझे भी पता है कि एक प्रेशर होता है कि एक अच्छा कॉलेज निकालना है, हमारे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। हर साल आपके पेरेंट्स, आप जब कोटा में पढ़ाई कर रहे हो तो 5 से 6 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं खुद बोल रहा हूं, और एक बहुत बड़ा अमाउंट भी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमसे नहीं होता तो हम चले जाते हैं। एक बार अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछो, उन पेरेंट्स से जाकर के पूछो जिन जो बच्चे सुसाइड करते हैं, उनके पेरेंट्स की क्या गुजरती होगी, ये जाकर के सोचो, जो एक अपना जवान बेटा 20 साल का उसको कंधा देते वक्त उसका पेरेंट्स क्या सोचते होंगे, उनके दिल पे कितनी बीतती होगी कि यार मेरा बेटा भी कहां क्या बनता, और चलो कुछ नहीं भी बनता और होता, और मैं आज उसको कंधा दे रहा हूं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि प्रेशर है? मैं खुद मानता हूं प्रेशर है, बट हमें सीखना पड़ेगा, हम इन चीजों से हार नहीं सकते, हम डर नहीं सकते, और ये बहुत दुखदाई है यार, ये बहुत दुखदाई है। एक कच्ची उम्र में, जब आप 17 से 20 साल की उम्र, इतनी छोटी एज है, आप पढ़ाई करो, आप मस्त रहो, आप खुश रहो, आप खाओ पियो, आप कोटा आओ, आप इंजॉय भी करो, कोई मना नहीं है, आप अपनी जो मेहनत है वो 100% दो, बट अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को एक बार कॉल करके बताओ कि यार पापा दिक्कत आ रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या मेरे से नहीं हो पा रहा है, और वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, वो मानेंगे कि ठीक है बेटा नहीं हो रहा है तो और मेहनत कर, ज्यादा नहीं होगा तो वो खुद आ जाएंगे लेने, कोई बात नहीं, अपन नॉर्मल 11th 12th करते हैं। गाइस, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका IIT में नहीं होता है, आपका NIT में नहीं होता है, आपका कोई नीट में नहीं होता है, आप डॉक्टर नहीं बन पाते हो, तो इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, आपके पास और 1000 ऑप्शंस खुले हुए होते हैं जिनमें आप बन सकते हो, बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन कि हम जाकर के सुसाइड कर लें, हम जाकर के डिप्रेशन में आ जाए। हम इतने कमजोर नहीं है यार, मैं आपको एक साफ बात बताता हूं, अगर आप कोटा में आ चुके हो ना, कोटा में अगर आप आ चुके हो तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे, ये हो सकता है कि आप कोटा में आए, आपने तैयारी करी, आपने बहुत मेहनत करी, बट आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, दैट्स फाइन, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कोटा से निकलने के बाद मुझे या किसी को आके बोलो कि यार हम मेहनत करना नहीं सीख पाए। अगर आप कोटा आते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करना सीखते हो, तो आपको एक बहुत अच्छी आदत लगती है, उसे बोलते हैं 8 से 10 घंटे आप किसी भी एक गोल पर काम कर सकते हो, क्योंकि कोटा यही सिखाता है, आप कोटा आपको सिखाता है मेहनत करना, यार किसी भी एक टारगेट, किसी भी गोल को पकड़े, हम 8 से 10 घंटे कैसे दे उस चीज में। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है यार कि अगर IIT नहीं हुआ, NIT नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ तो हम कोई लायक नहीं है, बिल्कुल गलत है ये चीज। शायद आप हो सकते हो कि आप सिंगिंग अच्छी करते हो, शायद ऐसा हो सकता है आप मैनेजमेंट में अच्छे हो, शायद ऐसा हो सकता है कि नहीं यार इंजीनियरिंग तो कर सकते हैं, हमारे पास और भी तो ऑप्शंस खुले हैं यार। डॉक्टर में अगर आप ये मान के चलो कि चलो मेरे को नहीं मिला नीट, आप डेंटल में अप्लाई कर सकते हो, आप डेंटल वाले डॉक्टर बन सकते हो, बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, बात करेंगे कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगी।
क्या हो जाएगी ये बस बस क्या होगा मेरे साथ। ठीक है, गाइस आज हम बात करने वाले हैं वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो क्या हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, आपने 2 साल यहाँ पे पढ़ाई करी, आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वर्स्ट सिचुएशन यही होगी कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कोटा में 2 साल तैयारी के बाद। अब क्या करोगे आप, गाइस अगर आप 12th के साथ थे तो आप 13th ले सकते हो, आप एक ट्राई और दे सकते हो। अगर आप नीट के साथ थे तो आपके पास बहुत सारे चांसेस है, आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी दे सकते हो अगर आप अलाउ करते हो कि यार हाँ यार मैं इस बार मेहनत कर लूंगा। और अगर ड्रॉप यार आपको नहीं लेना कि नहीं मैं ड्रॉप तो नहीं ले सकता, तो IITs या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी चीज होती है, वो होती है कि आप NITs को प्रेफर करो। क्या NITs, JEE मेंस से आपको NIT मिलता है, आप GFTI गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आप जा सकते हो। चलो आपको ये भी नहीं मिल रहा है, आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस ले सकते हो जो आसानी से मिल जाते हैं आपके 12th और JEE के बेसिस पर। चलो ये भी नहीं मिल रहा है, एट द लास्ट सिनेरियो क्या होता है आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हो। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं गाइस, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे तो आप गलत फहमी में हो, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो अच्छा खासा प्लेसमेंट देते हैं और साथ ही साथ उनकी फीस नॉर्मली आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बराबर ही होती है और NITs IITs के बराबर ही होती है, जैसे कि 2 लाख पर एनम। ये फीस बहुत नॉर्मल हो जाती है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। अगर आप IITs में जाते हो, NITs में 1.35 लाख, 1.65 लाख आपके IITs में होती है, ये फीस होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हम ड्रॉप ले लेंगे, हम वापस तैयारी करेंगे, बट दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। और चलो कुछ भी नहीं हुआ, हम कोर्स ही चेंज कर लेंगे, हम BSc कर लेंगे, हम MSc कर लेंगे, दैट डजंट मीन कि आप अनसक्सेसफुल रहोगे। इन डिग्रीज के बाद आप टीचिंग में घुस सकते हो, इन डिग्रीज के बाद आप CS के साथ आप BSc करते हो तो आप जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो। द पॉइंट इज हमें इस रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपको कहीं ना कहीं अपना प्रेशर फील हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, हम पढ़ नहीं पा रहे, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, सबसे बेस्ट तरीका अपने पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करो गाई सबसे पहले जाकर के, बिकॉज होल एंड सोल वही है जो आपके अपने हैं सबसे क्लोज। अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, अपने टीचर्स को बताओ, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि सर मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, आप उनसे नहीं खुल के बात कर पा रहे, अपने दोस्तों को बताओ कि यार हमसे नहीं हो पा रहा। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टेल कि हाँ मेरे से नहीं हो पा रहा, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो तभी आप तैयारी करोगे वापस। गाइस ये बड़ी कच्ची उम्र होती है, हम छोटे होते हैं, हम 16-17 साल के होते हैं, हम IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत प्रेशर होता है कि पढ़ना है, अच्छा कॉलेज लेना है, बट दैट डजंट मीन कि हम अपनी मेंटल स्टेट के साथ खेलें। अगर आपका ये सही नहीं है तो आपके हाथ कैसे काम करेंगे पढ़ने के लिए, आप कैसे यूज कर पाओगे। गाइस देखो डिप्रेस नहीं होना है, स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज एज वेल एज ऑन योर मेंटल स्टेट। आज एक चीज अपने आप से वादा करो कि शाम का आधा घंटा 6 से 6:30 या रात को 8:30 से 9, जब भी आपको टाइम मिलता है आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे जो आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस देती है। वो कुछ भी हो सकता है, आपको गाने सुनना अच्छा लगता है गार्डन में चले जाओ, आपको वॉक अच्छी लगती है आप वो कर लो, आपको आउटिंग पसंद है कि नहीं बॉस मैं तो नहीं सर मैं तो गार्डन में घूम सकता हूँ वहां जा चल जाओ, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो पूरा मार्केट आधे घंटे में घूम के आना मेरे को अच्छा लगता है आप वो कर लो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, बट आधा घंटा खुद के लिए निकालो, बिकॉज दिस इज अबाउट मेंटल स्टेट, अबाउट मेंटल हेल्थ। वन मोर थिंग, अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत है कि हमें किसी से बात करनी है, मैं आपको यहां पर एक इंस्टा आईडी दे रहा हूं notalks.in, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे एक मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, आपका मैसेज आते ही हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आप नंबर दे देना, वहां पर हम आपको कॉल करेंगे एंड हम आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो को जाकर के उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ आप कोचिंग में अभी पढ़ रहे हो, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बड़ी दिक्कत है, हमें बस इस टॉपिक पर बात करनी है कि ये चीजें क्यों हो रही है। इसका रिस्पॉन्सिबल कोटा कोचिंग या कोई भी कोटा का कोई इन्वायरमेंट नहीं है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका रिस्पॉन्सिबल है हमारी मेंटल स्टेट की, हम टेंशन ले रहे हैं जो हमें नहीं लेनी। कोटा में जो प्रेशर दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि आप रन कर सको, आप आगे जा सको, आप बहुत अच्छा बन सको, आप अच्छे कॉलेज में तभी जाओगे ना, आपको पता होगा जब लोहे को, ठीक है, जब कोयले को तपाया जाता है तब जाके उसमें से निकाला जाता है हीरा। ठीक है, अगर आप तपाओगे नहीं तो बन नहीं पाओगे। अगर हमें किसी लोहे को आकार देना है तो उसे पहले गर्म किया जाता है, फिर हथौड़े से मारा जाता है, फिर आकार दिया जाता है, तो उस वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। थोड़ा सा आपको पढ़ाया जाएगा, आपको मेहनत करवाई जाएगी, आपको प्रेशर दिया जाएगा सो दैट आप उस प्रेशर में अच्छा काम कर सको। एंड गाइज इट्स ओके इफ यू आर नॉट गोइंग एनी IITs एनी NITs एनी नीट
कॉलेजेस यानी मेडिकल कॉलेज, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके. से योरसेल्फ वन थिंग, यू विल विन वन डे, दैट्स इट. जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे आप कोचिंग में आकर के आप पढ़ो और यहीं से आप निकलो. नहीं, आप कोटा में तैयारी करके जा रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं हुआ. आप इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में आप जाते हो या बीएससी आप करते हो, वहां जाके मेहनत करो, वहां जाके निकालो कि नहीं यार मैं, कोई बात नहीं मेरा नहीं हुआ, बट मैं इस फील्ड में अच्छा निकलूंगा. बट दिस इज नॉट एन सोल्यूशन कि हम ये सारी चीजें करें. और अगर आपको कभी भी कुछ लगता है तो फर्स्टली गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स कि मेरे से नहीं हो पा रहा, आप मेरी हेल्प करें, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. और वर्स से वर्स सिचुएशन क्या हो सकती है, देखो आपकी हेल्थ, आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी मेंटल हेल्थ टाइम पर सही जगह पर होना बहुत जरूरी है. इट्स कंप्लीटली फाइन अगर आप IIT NIIT नहीं बनते, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा सकते. या हाँ, ये हो सकता है आप अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे, बट ऐसा नहीं है आप अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जियोगे. टॉप 100 जो सक्सेसफुल लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड के, उसमें से एक बंदा अभी IIT या NIIT से नहीं है. मेजॉरिटी कॉलेज ड्रॉप आउट्स है. हम जिस कंपनी में चाहते हैं ना कि फेसबुक में लग जाए, ठीक है, हम चाहते हैं एप्पल में लग जाए, ये सभी ड्रॉप आउट्स हैं. कॉलेज आधे समय पे छोड़कर अपनी कंपनी शुरू करी, तब आज हमें एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे. हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि ठीक है यार, कॉलेज हमें जैसा मिलेगा वहां पे मेहनत करेंगे. हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि यार ये सारी चीजें हैं, नहीं, ये है, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है. बट ऐसा नहीं है कि अगर यहां कुछ नहीं हुआ तो कहीं कुछ नहीं होगा. द मॉरल एंड द कंक्लूजन इज जस्ट बी योरसेल्फ, फोकस ऑन योर मेंटल फिट, फोकस ऑन योर स्टडीज एंड जस्ट बी हैप्पी. That's it. Thank you so much. Make it to share with the coaching students so that उन्हें पता लग सके क्या importance है mental health की. Thank you so much, guys.